झूले। वेलकम टू ट्रैवल सी राइट चैनल। आई एम अर्चना सिंह एंड आई एम राइट नाउ इन लद्दाख। नाउ इन दिस एपिसोड लेट मी टेक यू ऑन अ स्पिरिचुअल एंड गैस्ट्रोनॉमिक वोयाज ऑफ लद्दाख। गुड मॉर्निंग गाइज, 7:30 AM and I have arrived at Tikse Monastery, which is 22 kilometers from the Leh town. The reason why I came here is because I wanted to attend the morning prayers at the monastery. The whole feeling of when you listen to those chants, Buddhist chants and those instruments, it's very surreal in nature and it happens only once a day. So it's open for everyone, so all of you can come. And this monastery is special in many ways. For example, it is designed on the design of the monastery which is there in Lhasa, which is called the Lapu-Dala Monastery in Tibet. So the whole design, when you look from a distance, it looks like as it is a replica of the Lapu-Dala Monastery. It is the biggest monastery in the Ladakh region and it's revered a lot. You must visit this monastery if you are coming to Ladakh. So let's go and check out. I will attend the prayers and after that I will show you around the monastery. So come on, let's go. मेरे साथ में इस वक्त यहाँ के बहुत ही सीनियर मॉन्क लोबसांग ताशी जी बैठे हुए हैं। तो आपने जरूर देखी होगी मतलब मॉनेस्ट्री मॉन्क वगैरह, बट हाउ डू दे लीड देयर लाइफ एंड अबाउट दिस मॉनेस्ट्री। सो लोबसांग जी, ये मॉनेस्ट्री मैंने सुना है काफी पुरानी मॉनेस्ट्री है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कब बनी थी, कितने लोग रहते हैं, कुछ और चीज जो बताना चाहें आप। ये मोनास्ट्री जो है काफ़ी पुराना है। ये मोनास्ट्री किसने बना, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि किन ने बनाया। तो मासीद चंगसम शरब संको नाम से एक गुरु थे यहाँ पे, और कह रहे थे कि वो लद्दाख के थे 14 सेंचुरी में। तो वे तिब्बत में चला गया फर्स्ट स्टडी के लिए, वहाँ काफ़ी साल उन्होंने स्टडी किया। तो चोंगखापा वन ऑफ द फाउंडर, वो तो क्या हमारा गेलुकवासर का फाउंडर थे, उनसे भी उसने बहुत सारे शिक्षा ली थी। तो वापस आए थे वो लद्दाख में आके 14th-13th सेंचुरी में, उन्होंने यहाँ इस मोनास्ट्री बनाया। 14th-13th। हाँ जी जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मोनास्ट्री जो, अगर मैं तिब्बती परंपरा के बारे में चले, मतलब ये मोनास्ट्री जो है गेलुकवासर हमारे तिब्बती संप्रदाय परंपरा में चार संप्रदाय और मोनास्ट्री और उसका चार संप्रदाय मनाए जाते हैं। तो गेलुकवा, साक्या एंड निकमा। तो ये मोनास्ट्री जो है गेलुकवा सेक्ट, वन ऑफ द एंड बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनास्ट्री इन गेलुकवा सेक्ट, बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनास्ट्री। हां, After spending the first half in the calm environs of the Tikse Monastery, I was intrigued to know how nuns lead a life in Ladakh. So I decided to visit the Nyerma Nunnery, where guests can stay in the homestay and become a part of the lives of the nuns. So you guys have must been to a lot of monasteries and must have met a few monks also, but have you ever met nuns and or have you ever been a part of their life and understand how their life goes about? Mere saath Padma Dijain hai, jo ke 20 years of age se nun hai, aur yahan par jo nunnery hai wo Tikse Monastery ke paas mein hai. So inke parivar se, inke uncle is the head of Tikse Monastery. He is the reincarnation of Rinpoche. But आज हम उनके बारे में ना बात करके आज हम पद्मा जी के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी,
कि क्या रीजन था इस जगह को चूज करने के लिए, इस नंदरी के लिए? ये काफी पास में है थिक्से मॉनेस्ट्री के, तो आप बताएंगे क्या रीजन था? ये जगह बहुत अच्छी, अच्छा सा जगह, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ लॉट्स ऑफ रिंचेन संगपो ने यहाँ मॉनेस्ट्री का शुरुआत किया. ये 10th सेंचुरी का है, 10th सेंचुरी एरिया. हाँ जी, वॉल्स एंड एवरीथिंग सेम लाइक नालंदा. हाँ जी, हाँ जी. क्या डिफरेंस होता है एक नंदरी में और जो नॉर्मल मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स होते हैं, क्या अंतर होता है ज्यादातर? वैसे तो सेम होते हैं. हाँ जी, सेम होते हैं, सेम प्रेयर, सेम पूजा, सेम करते हैं. पर वैसे भी पता है लड़की लोग को इतना टाइम नहीं होता है कि काम वो प्रेयर इतना करने का. अभी ननेरी में सेम टू सेम, क्योंकि घर में बैठेगा तो काम नहीं, टाइम नहीं होता है, नहीं होगा. अभी ननेरी में बैठेगा तो काम ही काम है, सिर्फ पूजा करना, बस स्टडी करना, पूजा करना, वही है. अच्छा. इतना काम नहीं. और जो लाइफ है, आप लोगों की लाइफ और जो बाकी बाहर लोग रहते हैं उनके लाइफ में क्या डिफरेंस होगा, मतलब किस तरह की चीजें आप बता सकते हैं? हमारा फ्री लाइफ, फ्री लाइफ. अच्छा. हाँ जी. नाइस. ओके. हाँ जी. हाँ. क्योंकि किसी का डिपेंड नहीं होता है. हो, अपना पूजा करो, अपना जो करना है, किसी से पूछ भी नहीं कर सकते. अपने आप कर सकते. फैमिली का आदमी है तो माँ बाप को पूछना, भाई को पूछना, बहन को पूछना, पति को पूछना, पत्नी को पूछना, फिर ऑर्डर मिलते से भी काम कर सकते हैं. हम नहीं, ओनली वी हाँ सोचते हैं, वही करते हैं. वेरी गुड. हाँ जी, हाँ जी. फिर आपका जैसे कि रूटीन में क्या होगा, एक बार बताएंगे? जैसे कितने बजे खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, सुबह उठ के हाथ मुँह धोना, और पूजा का पानी चढ़ाना, पूजा का जो होता है ये होता है. फिर उसके बाद पूरा पूजा वूजा का पानी वानी चढ़ा के पूरा होके बैठते हैं. फिर अपने स्कैप्टो बोलते हैं, जो संगल वो हमें थोड़ा सा पूजा होता है वो करते हैं. फिर पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं पूजा. फिर हाँ जी, फिर 7 o'clock हमारा ब्रेकफास्ट होता है 7 बजे. ओके. फिर उसके बाद सब चलो प्रेयर रूम में इकट्ठे होके प्रेयर में जाते हैं. Meeting with the nuns made me think that despite leading the privileged life, we are almost always stressed. And look at them, they are at so much peace all the times. My heart was filled with so much love and peace, but my stomach was growling with hunger. We then headed to Stoke Palace, where a special artisanal authentic Ladakhi meal was waiting for us. Stoke Palace is a heritage property, a 200-year-old mud palace. Luckily, the king of Ladakh and Seon of Namgyal dynasty was also present. Our host, Kunzis Angmo, had prepared an elaborate Ladakhi fare. So, hey guys, you know, I want to clear 2 misconceptions which are considered with the Ladakhi cuisine. Most of the people, they think that Ladakhi cuisine is all about non-vegetarian food, which to a certain extent it is, because at this height, you need that much of meat, that much of fat. But as you can see the spread, which is right in front of our eyes, there's a lot of vegetarian fare which you can get. Second thing, most people think, you know, that Ladakhi food is what? Momos, uttapa, but no, yeah. There's a lot more than that. And today, I have someone very, very special. Kunzis is from Artisanal Alchemy. She is into providing these experiential cuisine experiences. These are specially curated food and they basically carry the legacy of the entire Ladakhi region. So, to begin with, Trans-Himalayan food. Ladakh is part of the Trans-Himalayan region. And it's associated with a lot of non-vegetarianism, a lot of carb-rich, a lot of fat-rich food. But as you can see, today, especially for you, it's an all-vegetarian fare, not even egg, though vegetarianism in Ladakh is associated with ovo-lacto-vegetarianism.
Over here, when we say, you know, what to make for vegetarians, they say egg curry, like, you know, that's the replacement, but which is not the case in the rest of the country. And also, you know, seeing the fair today, you have come in the middle of winter, you know, nothing grows, as you can see, it's all brown. But, you know, Ladakhis are a resilient lot, you know, we grow what we eat, you know, we always have, and we eat what we grow. So, and traditionally, like, we have a rich tradition of food preservation by way of root cellaring. All your root veggies are preserved in a root cellar, half buried in the ground, and sun-drying. Sun-drying, like we have sun-dried tomatoes, which you have in... We have the sun-dried tomatoes over there. This is the sun-dried tomato. This is in, you have this in Italy, but you have this in Ladakh as well, organic. And these are sweet. You want to try one? Yeah, I would love to. Just try. It's, you know, this is from my parents' home, like it, grown in a garden, sun-dried by my mom. Yeah. God, we have eaten so much today. Not we, I have eaten so much today. You were just serving, huh? But this is just a microcosm of what Ladakhi food is. Mm-hmm. There's a lot more to Ladakhi food. So Kunzis, thanks a lot for such a amazing artisanal meal. You know, we started off when the sun was right up there. And eating, and now the sun is gone. It's become very cold. Yeah, but shivering. The food was so, so good. Thanks a lot. It was getting too windy and too cold, so we rushed inside the palace and wrapped up the day.